सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों टू जेलब्रेक ट्विक्स एपिसोड 2। अगस्त का सेकंड वीक है एंड काफी नए ट्विक्स रिलीज हुए हैं, तो मैं आज वापस से आपको बताने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग जेलब्रेक ट्विक्स जो इस वीक रिलीज हुए हैं। सभी ट्विक्स के डेवलपर्स के नाम और रेपोस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रहेंगे नीचे, और सामने स्क्रीन पे भी पॉपअप होंगे। अगर आपको वो ट्विक्स इंस्टॉल करने हैं तो आप वहां से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं ट्विक्स की तरफ। चलिए दोस्तों, इस वीक का सबसे पहला ट्विक है आरजीबी कीज। एज अ पीसी गेमर, काफी आरजीबी एक्सेसरीज अवेलेबल है अभी मार्केट में, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, माउस पैड हो, या फिर पीसी कैबिनेट्स के लिए हो, तो उसी चीज को डेवलपर ने आईफोन के अंदर लाने की कोशिश की है विद आरजीबी कीज। आपको पहले मैं सबसे पहले आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये मैंने नोट्स ऐप खोला एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड में आरजीबी लाइटिंग पूरा फ्लो हो रहा है। तो सिमिलरली जैसे हमारे कीबोर्ड के अंदर आता है जो फिजिकल हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर आता है, उसी चीज को डेवलपर ने लाने की कोशिश की है। मैं टाइप करता हूं, माय नेम इज अमन, एंटर। वही फील लाने की कोशिश की है। इसका सेटिंग्स के अंदर भी एक पेज है लेकिन उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सेटिंग्स जो ये आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है पूरे कीज, बस उसके अंदर चिकलेट जो अपने कीज का जो इफेक्ट होता है वो आता है। ये हम गए सेटिंग्स के अंदर आरजीबी कीज के अंदर एंड ट्रांसपेरेंसी की कैप्स ऑफ कर दिया, और उसके नीचे ये जो बटन दिया हुआ है रिस्टार्ट कीबोर्ड एंड स्प्रिंग बोर्ड, इस पे टैप कर दिया। एंड अब हम सेम नोट्स के अंदर जाते हैं, टैप किया एंड अब देख सकते हैं ये जो उभरा हुआ जो एम्बॉस इफेक्ट आ गया है कीज के अंदर, ये मुझे ज्यादा बेटर लगता है। अमन इज माय फर्स्ट नेम, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। एक जिसको आरजीबी से ज्यादा प्यार है या जिसको आरजीबी इफेक्ट देना है अपने कीबोर्ड में, एक यूनिक लुक देना है अपने कीबोर्ड के लिए, उसके लिए ये ट्विक काफी अच्छा है। इस वीक का सेकंड ट्विक है आरजी बैटरी, जो कि सेम डेवलपर का है, सेम रेपो में आपको मिल जाएगा। एंड इसका इफेक्ट देखने के लिए, इसका कोई भी सेटिंग्स पेज नहीं है, इसका इफेक्ट देखने के लिए आप जैसे मेरे देख सकते हैं बैटरी इंडिकेटर को, अलग अलग आरजीबी कलर्स में वेरिएशन हो रहा है उसके अंदर जब भी ये चार्जिंग में लगा हुआ है। एक बार मैं इसको चार्जिंग से निकालता हूँ तो ये नॉर्मल ब्लैंक व्हाइट कलर में हो जाता है, लेकिन जैसे ही चार्जिंग में लगाता हूँ तो चार्जिंग का इफेक्ट देने के लिए वो अलग अलग आरजीबी कलर मोड्स में वेरिएशन होने लगता है, उसके कलर चेंजिंग होने लगते हैं, जो कि एक अच्छा इफेक्ट है अगर आपको आरजीबी कलरेशन पसंद है तो। तो ये सेम डेवलपर का है एंड सेम रेपो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों हमारे तीसरे ट्विक का नाम है स्मार्ट बैटरी 13। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मेरे ऊपर स्टेटस बार के अंदर बैटरी का जो आइकॉन है हमारा एकदम प्लेन सिंपल लगता है, और अगर हम परसेंटेज ऑफ बैटरी चालू करते हैं तो वो अलग से जगह लेता है, ना कि उस बैटरी के अंदर इंटीग्रेट होता है, तो वो एक इशू हो जाता है जो हमारा मेन रियल एस्टेट जो है स्टेटस बार का उसको काफी यूटिलाइज कर लेता है। तो वहीं आता है स्मार्ट बैटरी 13, जो कि बैटरी के अंदर ही हमको परसेंटेज दिखाता है, और ये भी एक फ्री ट्वीक है बिग बॉस रिपोजिटरी के अंदर से। खाली हमको SMART BATTERY इस ट्वीक का कोई सेटिंग नहीं है, कोई सेटिंग्स हमको छेड़ना नहीं है, बस खाली इंस्टॉल किया, रिस्टार्ट स्प्रिंग बोर्ड किया एंड ये ट्विक सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा एंड आपको सीधे स्टेटस दिखाने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अब मेरा ऊपर बैटरी के अंदर इंटीग्रेट बैटरी के अंदर परसेंटेज दिखा रहा है, 36% मेरी बैटरी बाकी है। तो ये स्मार्ट बैटरी 13 ट्विक है जिसके कारण ये चीज पॉसिबल हुआ है। अब वो हमको अंदर से बैटरी परसेंटेज ऑन करने की जरूरत नहीं है ताकि वो अलग से हमको बैटरी परसेंटेज दिखाए। हमारा चौथा ट्विक है रीच ऑप्शन। जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा था मैंने रीचेबिलिटी का एक ट्विक आपको बताया था, तो फिर से इस हफ्ते रीचेबिलिटी को और एनहेंस करने के लिए बोलूं, या फिर रीचेबिलिटी का ऑप्शन जो कि काफी कम लोग यूज करते हैं, तो वो सेम जेस्चर को यूज करके हमको एनहेंस करना है उस चीज को, या उस जेस्चर को हमको दूसरी चीज के लिए यूज करना है, उसके लिए डेवलपर ने एक नया ऑप्शन निकाला है। पहले मैं आपको सेटिंग्स के अंदर उसका पेज दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में गए एंड यहाँ पे है रीच ऑप्शंस। जैसे ये ट्विक हम एनेबल करते हैं तो ये सेटिंग्स हमको मिल जाती है अदर देन रीचेबिलिटी, स्क्रीनशॉट, कंट्रोल सेंटर, लॉक डिवाइस, रीस्प्रिंग, यूआई कैश एंड वाईफाई। चलिए अभी हम ट्राई करके देखते हैं। ये मैंने रीचेबिलिटी ऑन किया तो जो रीचेबिलिटी एक्चुअली होना चाहिए उसकी जगह पे ये सारे ऑप्शंस हमारे पास आ गए। हम ऑप्शंस को इंडिविजुअली, इन एक्शंस को इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं अंदर सेटिंग पेज के अंदर से, लेकिन वो रीचेबिलिटी जो आता था पहले, जो हमको यूज बहुत कम आता था, उसकी जगह पे अब ये एक्शन शीट आ जाता है जिसके थ्रू हम इन एक्स्ट्रा फैसिलिटीज का यूटिलाइज कर सकते हैं वो रीचेबिलिटी की जगह पे,
क्योंकि अगर आपका फोन थोड़ा छोटा है या अगर आपको रीचेबिलिटी यूज नहीं आ रहा है तो ये चीज हमको ज्यादा अच्छी तरह यूज आ सकती है। अभी हमने टेक अ स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली इसने हमारा स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो ये काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो डेवलपर ने कोशिश की है हमको प्रोवाइड करने की, रीचेबिलिटी को हटा के। सेम रीचेबिलिटी का ही जेस्चर है इसको यूज करने के लिए, लेकिन पूरा ऑप्शन मेन्यू अलग है जो कि हम अंदर से कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या हमको ऑन करना है या ऑफ करना है। उम्मीद करता हूँ आगे जाके इस ऑप्शन मेन्यू को भी हम कस्टमाइज कर सके हमारे हिसाब से, कि और भी अंदर ऑप्शंस ऐड हो जाए ताकि हमको और कुछ ऑन ऑफ करना है तो वो हमको इजी रहे यूज करने के लिए। पांचवा और आखिरी ट्विक इस वीक का हमारा है लॉक शट नाम से। लॉक शट एक काफी डिफरेंट टाइप का ट्विक है एंड डेवलपर ने कोशिश की है कि अगर हमारा फोन चोरी होता है तो चोरी होने के बाद चोरी रोकी जा सके या चोरी से हमारे फोन को वापस हम रिकवर कर सके, उस चीज पे ध्यान दिया है डेवलपर ने। इसका एक ऑप्शन है अंदर, आप सेटिंग्स में जाते हैं तो लॉक शट के अंदर जाइए, ट्विक एनेबल करना है और जब अनलॉक रहता है तो उसको डिसेबल करना है। एंड जैसे ही ट्विक एनेबल होगा तो टर्न ऑन वाईफाई ब्लूटूथ एंड डेटा। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई हमारा फोन चोरी करता है तो वो तुरंत से हमारा फोन स्विच ऑफ कर देता है और उसके बाद हमको ना हम हमारे फोन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं फाइंड माय आईफोन से, ना ही कुछ और हम कॉल कर सकते हैं उस फोन पे, ना ही कुछ और कर सकते हैं। तो उस चीज को ध्यान रख के डेवलपर ने ये ट्विक डिजाइन किया है। नीचे आप देख सकते हैं लॉक शट स्टाइल में डिसेबल, एक्सेस मेडिकल, फेक शटडाउन और ऑथेंटिकेट। जनरली ये ट्विक क्या करता है, जो अलग अलग ऑप्शन है या तो पूरे शटडाउन को डिसेबल कर देगा या फिर एक्सेस मेडिकल ऑप्शन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो हमको मेडिकल ऑप्शन जो हमारा मेडिकल आईडी है वो शटडाउन के जगह पे आपको दिखाएगा। एक है इसके अंदर थर्ड ऑप्शन जो है फेक शटडाउन, जो कि एक शटडाउन फेक करेगा। सामने वाला जब भी शटडाउन करने की कोशिश करेगा, फोन हमारा लॉक है और सामने वाला शटडाउन करने की कोशिश करेगा चोर, तो चोर को दिखाएगा कि हमारा फोन शटडाउन हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो शटडाउन नहीं होता है, स्क्रीन खाली ब्लैक हो जाता है एंड हमारे वाईफाई ब्लूटूथ एंड डेटा जैसे कि ये ऑप्शन में ऑन किया हुआ है हमने वो ऑन रहेगा और हम ट्रैक कर सकेंगे फोन को इजीली। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और चौथा है ऑथेंटिकेट, शटडाउन होने के पहले ऑथेंटिकेट करना। मेरे हिसाब से ऑथेंटिकेट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से इस ट्विक के अंदर एक्सेस मेडिकल, ऑथेंटिकेट और डिसेबल का इतना यूज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है फेक शटडाउन, क्योंकि अगर चोर को बंद करना ही है फोन, शटडाउन करना ही है फोन, तो वो हार्ड रीसेट भी करके शटडाउन कर सकता है, लेकिन फेक शटडाउन उसको ध्यान भी नहीं आएगा और आइडिया भी नहीं आएगा कि फेक शटडाउन जैसा भी कुछ है एंड वो शांति से उसको लगेगा उसने शटडाउन कर दिया फोन को, लेकिन एक्चुअली फोन बैकग्राउंड में हमको लोकेशन भेजता रहेगा और ब्लूटूथ और इंटरनेट सब चालू रहेगा तो हम फोन को इजीली ट्रैक कर पाएंगे एंड चोर को पकड़ सकते हैं। चलिए वापस से लॉक करते हैं एंड इस बार फेक शटडाउन का इफेक्ट देखते हैं। प्रेस करके रखा हमने एंड स्लाइड का ऑप्शन है एंड टोटली स्क्रीन ब्लैंक हो गया। अभी मैं कोई भी बटन भी प्रेस कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है। फेक शटडाउन से बाहर निकलने के लिए हमको दोनों वॉल्यूम बटन से एक साथ प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली हमारा स्क्रीन ऑन हो जाएगा एंड डेस्कटॉप पे हम आ जाएंगे। ये रहा, हमने हमारा फोन फिर से एक्सेस में आ गया है हमारे। तो ये जनरली किसी को ध्यान नहीं रहता है, कोई चोर अगर चोरी करता है तो उसको ये ध्यान नहीं रहेगा कि दोनों वॉल्यूम बटन हमको प्रेस करना है ताकि फोन वेक हो सके। वो शटडाउन कर दिया उसके बाद बटन एक एक बार प्रेस करके देखेगा सारे बटन, हाँ शटडाउन है। तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से, फेक शटडाउन ये ट्विक हम यूज कर सकते। तो दोस्तों ये थे इस वीक के 5 न्यूली रिलीज्ड इंटरेस्टिंग ट्विक्स। उम्मीद करता हूँ आपको सारे ट्विक्स पसंद आए और आप स्पेसिफिक रेपोज पे जाके स्पेसिफिक ट्विक्स इंस्टॉल करके चेक करके देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ट्विक जरूर से पसंद आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो काइंडली लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लेता आता हूँ रेगुलरली। और वो बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलीज करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए हमारी न्यूली रिलीज्ड वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके जवाब फटाफट से दे सकूंगा। कोई आपके सजेशंस हो, कुछ हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से आपके सजेशंस लिखिएगा, या आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन अग्रवाल साइनिंग ऑफ, बाय।